अभी भी आप जब देखिएगा ये ब्लड का धब्बा है। क्या उन परिवार इनके हैं, रो रो कर बिलख रही है, क्या इनकी नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएसआई ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू हूं। इस वक्त हम हूं बाईपास थाना अंतर्गत बाड़ी धवलपुरा कुशवाहा पंचित अखाड़ा। इसी कुशवाहा पंचित अखाड़ा में कल होली के जश्न में लोग दूर दराज से लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अबीर गुलाल रंग लोग लगाते हैं। लेकिन तभी एक मनहूस घटना घट जाती है इसी अखाड़ा परिसर में। वो घटना है बिल्कुल मर्माहत कर देने वाली, उनका घर उजड़ देने वाली, उनके परिवार बिखर गए हैं। कल इसी स्थान पर रात के 8 से 8:30 बजे के बीच में अपराध कर्मियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मृतक का नाम मंजय कुमार, उम्र 28 साल और उनके 3 बच्चे हैं। अब जरा सोचिए, क्या उनकी हत्या हो गई है तो क्या वो जो अपराध कर्मी ने हत्या की है उनको फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। थाना शासन प्रशासन सरकार लीपापोती कर देंगे, वही होगा, छानबीन शुरू हो जाएगा, लेकिन जिनका परिवार बिछड़ा है उनका न्याय कैसे मिलेगा? मैं सीधे सीधे सरकार या जिला जो प्रशासन जो है उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूँ। इसी स्थान पर अभी भी आप जब देखिएगा ये ब्लड का धब्बा है, क्या उनकी हत्या हो जाने के क्या मामला सुधर जाएगा? मृतक प्राइवेट जॉब करते थे, उनके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ जब आते हैं तो देखते हैं कि पूरा परिवार आस पड़ोस मौन है, शांत है, दुख से लगता है कि इस मोहल्ले में एक पहाड़ टूट गया। यहाँ का जब पीछे का दृश्य देखिएगा तो तमाम लोग हैं। होली के जश्न में इस तरह का हत्या होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती है। प्रत्यक्षदर्शी बतलाते हैं कि गुलाल अबीर लगाने के क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब देखना है शासन प्रशासन सरकार क्या करती है, क्या मृतक परिवार को न्याय मिल पाएगी या फिर वही लीपापोती में लग जाएंगे। मृतक के परिवार के पास है जो कि मंजय कुमार को कल देर रात में हत्या कर दी जाती है, और यहाँ के जो परिवार इनके हैं रो रो कर बिलख रही है, क्या इनकी न्याय मिलेगी? सरकार शासन प्रशासन से मैं भी गुजारिश करूंगा कि अब बहुत जल्द से जल्द अविलंब अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो और इन्हें न्याय मिले, साथ में इनके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी परवरिश करने के लिए भी व्यवस्था हो। यहाँ का जब नजारा देखिएगा तो बिल्कुल मर्माहत है। मैं इनके परिवार के साथ में हूँ और जहां तक हो सकता है वहां तक इनका हर संभव मैं सहायता करूंगा। यहाँ का जब नजारा देखिएगा, जिनकी पत्नी है, इनके अड़ोस पड़ोस तमाम परिवार लोग है एक साथ में यहाँ पर, दृश्य बिल्कुल मर्माहत है। किस तरह अपराध कर्मियों जिस तरह का प्रशासन को एक खुली चुनौती देते हुए दुस्साहस करते हुए इसी कुशवाहा पंचित अखाड़ा में होली लोग मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, परिवार के संग में मनाते हैं, मित्रों के संग मनाते हैं, लेकिन अभागा कहेंगे उस अपराध कर्मी को कि इनका सुहाग उजाड़ दिया गया। जी बताइए। तीन बार लड़कन है, पतला दुबला औरत है, का कम आंखें खाएगी, उसको पति मर गया। तो हम सरकार से शासन प्रशासन से बाईपास थाना से भी गुजारिश करेंगे, अविलंब अपराध कर्मी को गिरफ्तारी हो और साथ में इन्हें न्याय मिले, ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका शिक्षा दीक्षा पाठ पठन का व्यवस्था बेहतर हो।